हेलो एवरीवन, आप लोग ऐसी जगह तो बहुत गए होंगे जहाँ पर फ़ोटो खींचना प्रोहिबिटेड होता है, पर फिर भी आप वहाँ की फ़ोटो खींचना चाहते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा ऐप बताऊँगा जिससे आप बिना किसी को दिखाए या फिर आप कह सकते हैं छुपा के फ़ोटो खींच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर लिखना होगा स्पाई कैमरा। स्पाई कैमरा लिखने के बाद आपको सबसे ऊपर वाला ऐप डाउनलोड नहीं करना है, आपको थोड़ा नीचे आकर ये वाला ऐप डाउनलोड करना है। इसका आप आइकन ध्यान से देख लीजिए, मैं इसे डाउनलोड करने की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। आप इस ऐप को स्ट्रिंग ऑपरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जब तक मैं आपको इसके सब फीचर्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर कैमरे का ऑप्शन है, इससे आप डायरेक्ट फ़ोटो खींच सकते हैं। अब मैं आपको सेटिंग में चल कर दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। इसमें सबसे ऊपर है सेलेक्ट योर लैंग्वेज, तो इसमें लैंग्वेज हम इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। और कैमरा, इस पे बैक कैमरा है और फ्रंट कैमरा है, इसका मतलब है कि हम चाहे तो फ्रंट कैमरा एक्सेस कर सकते हैं या बैक कैमरा। इसमें फ़ोटो साइज, इसमें बहुत सारी फ़ोटो साइज़ है, इसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से फ़ोटो साइज सेट कर सकते हैं जितना आपका कैमरा सपोर्ट करता है। अगला है फ़ोटो फोल्डर। ये फोल्डर वो फोल्डर है जहाँ पर आपकी फ़ोटो क्लिक होने के बाद जिस फोल्डर में जाकर सेव होगी। आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं SD कार्ड या इंटरनल स्टोरेज। ये है टर्न ऑफ शटर साउंड, इसका मतलब ये है कि जब भी आप फ़ोटो खींचेंगे तो उसमें शटर का साउंड नहीं आएगा। इसमें दो मेथड है, मेथड वन और मेथड टू। तो मेथड वन किसी किसी फ़ोन में काम करता है, किसी फ़ोन जिस फ़ोन में मेथड वन काम नहीं करता है उस पर मेथड टू काम करता है। तो आप देख लीजिएगा आपको फ़ोन में कौन सा मेथड काम करता है। अगला है वाइब्रेट वेन कैप्चर, इससे जब भी आप फ़ोटो खींचेंगे इस ऐप से तो आपका फ़ोन वाइब्रेट होगा। अगला है हाइड फोटोज़ फ्रॉम गैलरी, इससे क्या होगा कि जैसे ही आप फ़ोटो खींचेंगे तो वो फ़ोटो आपकी गैलरी में नहीं आएगी। ऐसा इसको आप तब यूज़ कर सकते हैं कि जब आप पकड़े जाए छुपके से फ़ोटो खींचते हुए और आप दिखा सकते हैं किसी को कि देखो मैंने कोई फ़ोटो नहीं खींचा। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन है सेट पासवर्ड, इसमें आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं अपनी गैलरी को खोलने के लिए। और अगला ऑप्शन है क्विक रिकॉर्ड्स आइकन, इसमें आप आइकन सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी SC क्विक कैप्चर आइकन सेट किया है। जैसे अगर मैं इसे बाय बुक कर दूंगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आइकन आपकी होम स्क्रीन में मिल जाएगा। तो आप ये देखिए, मैंने जैसा कि वहाँ पर माय बुक सेलेक्ट किया था, यहाँ पे एक माय बुक नाम का आइकन बन गया है। अब मैं आपको इससे एक फ़ोटो खींच कर दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं इसे माय बुक के आइकन में फ़ोटो को यहाँ पर रख के खींचता हूँ और यहाँ पर एक शटर की आवाज़ आई। पहले मैं इसे ऑफ कर देता हूँ और ये देखिए, मैं इस एंगल से भी एक फ़ोटो खींच लेता हूँ और इस एंगल से भी खींच लेता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ सब फोटोज़। ये फ़ोटोज़ हमारी गैलरी में भी सेव होती है, पर अगर आप केवल इसी ऐप से खींची गई फ़ोटो एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैप्चर्ड फ़ोटो, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए दोनों फ़ोटो मिल गई है। मैं इसे व्यू पिक्चर करता हूँ। मैंने इन फ़ोटोज़ को थोड़ी कम लाइट में खींचा, इसलिए फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आई है, पर आप इसे देख सकते हैं आप ऐप डाउनलोड करके। तो चलिए अब अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पर छोड़ा क्विक रिकॉर्ड्स आइकन, अब यहाँ पे अगली सेटिंग है SMS सेटिंग्स। ये सेटिंग बहुत ही काम की है। इस पर आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप इसे इनेबल करते हैं तो आप अपने यहाँ पर एक नंबर सेट कर सकते हैं, एनी नंबर या स्पेसिफिक नंबर। जब भी आप उस नंबर से एक मैसेज भेजेंगे अपने फ़ोन में, जैसे कि आप भेजते हैं स्पाई फ्रंट, तो यहाँ पर एक फ्रंट कैमरे से एक फ़ोटो खिंच जाएगी, चाहे आपका फ़ोन कहीं पे भी कितनी भी दूर हो आपसे। और आप स्पाई बैक करेंगे तो आपके बैक कैमरे से एक फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। और यहाँ पर आप अपने इस ऐप को डायरेक्ट गूगल ड्राइव से भी लिंक कर सकते हैं और उस पर भी सब फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। और आप इसमें सेट कर सकते हैं कि केवल आप वाईफाई से इसे अपलोड करें। और यहाँ पर फीडबैक है, गिव अस अ गुड रिव्यू, और इसके जैसे और भी यूज़फुल ऐप्स हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और आप इस ऐप को अपने मज़े के लिए यूज़ करिए और अच्छे कामों के लिए भी यूज़ कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, ऐसे और काम की वीडियो आते रहेंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक और कमेंट करना भी ना भूले।